तो आखिर फर्क क्या है अल्लाह और बंदे में? क्या फर्क? किस बुनियाद पर अल्लाह अल्लाह है और किस बुनियाद पर बंदा बंदा है? बुनियाद वो नहीं है जो लोग बता रहे हैं, बुनियाद वो है जो कुरान ने बताया। धोखा मत खाना, कुरान ने परिचय जो कराया है इलाह का, वो सही परिचय है इलाह का। कुरान ने क्या इंट्रोडक्शन कराया अल्लाह का? अपने महबूब को मुखातब करके कहता है, कुल हो अल्लाहु अहद, ए नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाह है कौन? अल्लाहु समद, अल्लाह वो है जो सबसे बेनियाज है, किसी का मोहताज है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, खुदा की शान बेनियाजी वो बुनियाद है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह इलाह है, बंदा इलाह नहीं हो सकता। क्योंकि खुदा हर मामले में बेनियाज है, बंदा हर मामले में खुदा का मोहताज है। तो अल्लाह अल्लाह रहेगा, बंदा अल्लाह नहीं हो सकता। तो अब हमें कहने दीजिए, गैबदा खुदा भी है, गैबदा खुदा की अता से मुस्तफा भी है, लेकिन खुदा अपनी गैबदानी में किसी का मोहताज नहीं, सबसे बेनियाज है। और मुस्तफा अपनी गैबदानी में अपने खुदा के मोहताज हैं, वो बेनियाज, ये मुझके मोहताज। शिरकत नहीं तो शिर्क का है, शिरकत है ही नहीं तो शिर्क कैसा? आलम का हुक्मरान खुदा भी है, खुदा की अता से आलम के हुक्मरान मुस्तफा भी हैं, लेकिन खुदा अपनी हुक्मरानी में बेनियाज है, मुस्तफा अपनी हुक्मरानी में भले किसी के मोहताज ना हो लेकिन अपने रब के मोहताज है। ओ बेनियाज ये मोहताज, शिरकत नहीं तो शिर्क कैसा? यकीनन खुदा मुर्दों को जिंदा करने वाला है, बीमारों को शिफा देने वाला है, मगर खुदा मुर्दों को जिंदा करने में, बीमारों को शिफा देने में किसी का मोहताज नहीं है, मगर मुस्तफा बीमारों को शिफा देने में, मुर्दों को जिंदा करने में खुदा के मोहताज हैं। ओ बेनियाज ये मोहताज, शिरकत नहीं तो शिर्क कैसा? यकीनन खुदा इस माने कर शहीद है कि कायनात का कोई जर्रा उसकी गिरफ्त से बाहर नहीं, इस माने कर बसीर है कि कोई जर्रा उसकी इल्मी निगाहों से ओझल नहीं, और इसी उसी की अता से मुस्तफा हाजिर और नाजिर है। वो अपने शहीद और बसीर होने में किसी का मोहताज नहीं है, मुस्तफा अपने हाजिर नाजिर होने में खुदा के मोहताज है। ओ बेनियाज ये मोहताज, शिरकत नहीं तो शिर्क कैसे? लोगों ने समझा नहीं, गलत परिचय कराया इलाह का, जिसकी बुनियाद पर या तो लाइल्मी में धोखा खा रहे हैं या जानबूझ के किसी साजिश का शिकार होकर हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन फरेबियों के फरेब से हमको बचाए और हमें अकीदे हक्का, अकीदे अहले सुन्नत व जमात यानी मसलक आला हजरत पे जिंदगी की आखिरी सांस तक कायम रखे। तूफान अश्क लाने से चश्म फायदा, दो बूंद भी बहुत है अगर कुछ असर करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।